नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हेरिटेज हार्डविंगिंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट के एक अभिनव प्रयास के तहत देश के 12 लाख हस्तशिल्पियों द्वारा श्री राम लला के लिए तैयार विशेष वस्त्र को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपे जाने के अवसर पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता है। जन्म हो तो अखंड रामायण का पाठ होता है, कोई अन्य मांगलिक कार्यक्रम हो तो रामानाम संकीर्तन, सोते जागते भोजन करते हर्ष में दुख में सुख में यहाँ तक कि जीवन की अंतिम यात्रा में भी राम नाम का उच्चारण होता है। मुख्यमंत्री ने कहा, राम तो परमपिता परमेश्वर है, कणकण में व्याप्त हैं, लेकिन अयोध्या जी में नव्य मंदिर में राम के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा लोक आस्था और जनविश्वास के पुनर्प्रतिष्ठा है। 500 वर्षों तक श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा कभी दबा नहीं, कभी पूज्य संतों ने तो कभी राज रंजवाड़ों ने, कभी धर्म योद्धाओं ने, अलग अलग कालखंड में लोगों ने इस विषय को जीवित रखा, संघर्ष जारी रखा, बिना रुके, बिना थके, बिना ढीगे, बिना झुके और मिशन बनाकर लड़ते रहे। राम नाम महिमा की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति के माध्यम हैं। राम जैसा कोई नाम नहीं, यह एक अकेला ऐसा नाम है जो आजीविका का साधन भी है। हजारों कथा व्यास राम कथा का पाठ कर लाखों लोगों को जोड़कर रखते हैं, यही उनकी आजीविका का माध्यम भी है और राम भक्तों के जीवन को संवारने का साधन भी है। राम आस्था के साथ आर्थिक स्थिति के हैं माध्यम। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलीला जिसे सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता, सब गांव नगर के लोग ही मिलकर आयोजित करते हैं। सबको पता है कि कब कौन सा प्रसंग होगा, लेकिन फिर भी हर साल हर रामलीला में हर प्रसंगों में लोगों का उत्साह कम नहीं होता। उन्होंने कहा कि राम आस्था के साथ आर्थिकी के भी माध्यम है। हस्तशिल्पियों ने तैयार किया रामलला का वस्त्र। अयोध्या में जारी विकास कार्यों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या में अपने गौरव के अनुरूप सम्मान प्राप्त कर रही हैं। गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, हर जगह से बेहतर कनेक्टिविटी है। लखनऊ से तो जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रहे हैं। आज सरयू में क्रूज चल रहे हैं। अयोध्या धाम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालित है। यह सब कुछ समय पूर्व तक कल्पना से परे था, लेकिन राम कृपा से आज यह सब साकार हो रहा है। हेरिटेज हैडबैंगिंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा राम लला के लिए 12 लाख हस्तलिपियों द्वारा वस्त्र तैयार करने के प्रयास की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वस्त्र में राम भक्ति का ताना है और हस्त सीप का बना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए धन्यवाद दिया और वस्त्र को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी को सौंपा है। तो एक अपडेट था, मुझे आपको बता देना चाहिए। बाकी आप राम लला को लेकर एक्साइटेड है, बताइए। धन्यवाद।